हेलो एवरीवन, दिस इज मान मोहन तिवारी एनर्जी वो चैनल फिनेंशियल पंडित एक नए वीडियो के साथ मैं फिर आया हूँ। हर एक दिन म्यूचुअल फंड और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड आपके लिए वीडियो लेके आता हूँ। वाकई में आप चाहते हो वीडियो का अपडेशन सबसे पहले मिले, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, लाइक और शेयर करना ना भूलो। आज के वीडियो में क्या आपके लिए रिसर्च लेके आया हूँ। बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जो मेरे से पूछते हैं कि सर, अगर किसी म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस वीक है और उसके बाद हम किसी दूसरे म्यूचुअल फंड में स्विच करते हैं तो क्या कंपाउंडिंग पे असर हमें देखने को मिलेगा। और इससे मिलता जुलता एक क्वेरी भी है। ये क्वेरी पैरेंटिंग एक चैनल का नाम लग रहा है, इनके साइड से पूछा गया है। हेलो सर, मैं जानना चाहता हूँ कि यदि मैं पिछले 3 साल से किसी फंड में SIP कर रहा हूँ लेकिन अब किसी कारण से मैं उसे स्टॉप करके नए फंड में SIP स्टार्ट करता हूं तो क्या कंपाउंडिंग पे असर पड़ेगा, क्या यह एक नुकसानदेह फैसला है, कृपया मार्गदर्शन करें। देखो, मैंने बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको एडवाइस किया है कि अगर आपका फंड का परफॉर्मेंस वीक है तो आप उस म्यूचुअल फंड से स्विच करें। और ऐसे में ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कहीं हम गलती तो नहीं कर रहे, क्या हमें नुकसान तो नहीं हो सकता। मैं आपके सामने यहाँ पे 2 म्यूचुअल फंड लेके आया हूँ। इस 2 म्यूचुअल फंड के हेल्प से हम जानेंगे कि क्या ये नुकसान का एक सौदा है या फिर ये एक फायदा का सौदा है। अब वो 2 कौन-कौन से म्यूचुअल फंड है मैं आपको बता दूं। एक यहाँ पे जो मैंने म्यूचुअल फंड लिया है HDFC टॉप 100 फंड लिया है लार्ज कैप कैटेगरी से, और एक जो फंड यहाँ पे लिया है मैंने कैनरा रेपको ब्लू चिप इक्विटी फंड लिया है। अगर HDFC टॉप 100 फंड की बात करें तो इसका परफॉर्मेंस काफ़ी वीक देखने को मिल रहा है। ये म्यूचुअल फंड ना ही अपने बेंचमार्क के परफॉर्मेंस को बीट कर रहा है और ना ही अपने कैटेगरी एवरेज के रिटर्न को बीट कर रहा है। दूसरी तरफ कैनरा रेपको ब्लू चिप इक्विटी फंड की बात करें तो ये म्यूचुअल फंड लगातार अपने कैटेगरी एवरेज को भी बीट कर रहा है और बेंचमार्क के परफॉर्मेंस को भी बीट कर रहा है। अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए कोई एक ऐसा इन्वेस्टर है जो HDFC टॉप 100 फंड के साथ इन्वेस्टेड है, 2000 रुपये का SIP यहाँ पे स्टार्ट किया है, और ये जो SIP है ये 2015 से स्टार्ट है। हम 1 जनवरी 2015 का यहाँ पे डेट ले लेते हैं, और वो इन्वेस्टर उस फंड में 3 साल तक SIP करता है, और ऐसे में जब 3रा साल कंप्लीट होता है तो इन्वेस्टर को एहसास होता है कि इस म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस काफ़ी कमज़ोर है और ऐसे में हमें यहाँ पे स्विच करना चाहिए, दूसरे म्यूचुअल फंड में सेम कैटेगरी का कोई बेहतरीन म्यूचुअल फंड हो उसमें स्विच करना चाहिए। तो 1 जनवरी 2015 से लेके यहाँ पे 1 नवंबर 2018 तक वो इन्वेस्टर HDFC टॉप 100 फंड के साथ जुड़ा रहता है। 15 से लेके नवंबर 2018 तक जो टोटल इन्वेस्टमेंट रहा 2000 SIP का, आप देख सकते हो 92,000 का इन्वेस्टमेंट हुआ, और यहाँ पे जो प्रॉफिट देखने को मिल रहा है वो 20,195 रुपये का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। जो टोटल सेल वैल्यू है वो देख सकते हो 1,12,195 रुपये के करीब में। सबसे पहले हम ये समझते हैं जो HDFC टॉप 100 फंड में यहाँ पे 2015 से लेके नवंबर 2018 तक जो फंड इकट्ठा हुआ है उस फंड को यहाँ पे इन्वेस्टर कैनरा रेपको ब्लू चिप फंड में पार्क कर देता है। इट मींस कि जो टोटल सेल वैल्यू है उस पैसे को इन्वेस्टर यहाँ पे कैनरा रेपको ब्लू चिप फंड में एज ए लमसम इन्वेस्ट कर देता है। नवंबर 2018 में वो एज ए लमसम इन्वेस्टमेंट होता है 1,12,195 रुपये के करीब में। अगर आज के डेट में उस लमसम को हम रिडीम करते हैं तो जो टोटल वैल्यू यहाँ पे देखने को मिलेगा सेल वैल्यू 2,12,239 रुपये के करीब में, और जो यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिलेगा 1 लाख के करीब में। थोड़ा सा मैं फिर समराइज करता हूँ। एक इन्वेस्टर है जो HDFC टॉप 100 फंड में 2015 जनवरी 2015 को 2000 रुपये से SIP स्टार्ट करता है। नवंबर 2018 में उसको एहसास होता है कि ये म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस काफ़ी वीक है और हमें दूसरे म्यूचुअल फंड में यहाँ पे स्विच करना चाहिए। ऐसे में वो इन्वेस्टर HDFC टॉप 100 फंड में जो 2000 का SIP है उसे स्टॉप कर देता है और जितना भी पैसा इन्वेस्टेड है उसको रिडीम कर लेता है। कितना पैसा इन्वेस्टेड था उस समय तक सेल वैल्यू देखें तो 1,12,195 रुपये को, और उस 1,12,195 रुपये को कैनरा रेपको ब्लू चिप इक्विटी फंड में पार्क कर देता है, जो कि इन्वेस्टमेंट स्टार्ट डेट हो जाता है 1 नवंबर 2018। अगर आज के डेट में वो रिडीम करता है तो जो उसको वैल्यू देखने को मिलता है आप देख सकते हो 2,12,239, यहाँ पे 1 लाख का प्रॉफिट हो गया। अब जो HDFC टॉप 100 में 1 नवंबर 2018 को SIP स्टॉप कर दिया गया था और उस पैसे को कैनरा रेपको ब्लू चिप फंड में पार्क कर दिया गया था, वो एज ए लमसम इन्वेस्टमेंट हुआ और उस लमसम का वैल्यू का जो हमें प्रॉफिट देखने को मिला वो ऑलमोस्ट 1 लाख के करीब में देखने को मिला। लेकिन जो नवंबर 2018 से SIP स्टॉप था HDFC टॉप 100 फंड में
उसको उस इन्वेस्टर ने कंटिन्यू किया कैनरा रैप को ब्लू चिप इक्विटी फंड के साथ। 1/11/2018 से यहाँ पे SIP स्टार्ट कर दिया इन्वेस्टर ने, 2000 का SIP है, और अगर आज के डेट तक SIP यहाँ पे कंटिन्यू रहता है जो टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाता है 74,000 के करीब में। यहाँ पे जो सेल वैल्यू देखने को मिलता है, अगर आज के डेट में अगर हम सेल करते हैं तो 1,10,921 रुपये के करीब में। जो प्रॉफिट देखने को मिला यहाँ पे 36,921 रुपये के करीब में, यहाँ पे हमें प्रॉफिट देखने को मिला। वहाँ पे आपको प्रॉफिट देखने को मिला जो 2018 के बाद लमसम हुआ, उसमें ऑलमोस्ट आप देख सकते हो 1,00,000 रुपए का प्रॉफिट देखने को मिला। जो नवंबर 2018 से SIP फिर कैनरा रैप को ब्लू चिप फंड में स्टार्ट किया, उसका प्रॉफिट हमें यहाँ पे ऑलमोस्ट आप देख सकते हो 36,921 रुपए देखने को मिला। अब टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, अब आप देख सकते हो जो टोटल प्रॉफिट हुआ यहाँ पे ऑलमोस्ट 1,36,925 रुपए के करीब में। यहाँ पे फंड का परफॉर्मेंस वीक हुआ तो हम यहाँ पे कैनरा रैप को ब्लू चिप इक्विटी फंड में स्विच कर गए, SIP वहाँ स्टार्ट कर दिए, और एज ए जो टोटल वैल्यू था वो भी एज ए लमसम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिए। तो आज के डेट में 2015 जनवरी के बाद हमें 1,36,925 रुपये का प्रॉफिट हुआ। लेकिन अगर वो इन्वेस्टर स्विच नहीं करता, मान लो कि वो स्विच नहीं करता, वो HDFC टॉप 100 फंड के साथ कंटिन्यू रहता, तो जनवरी 2015 से जो 2000 का SIP स्टार्ट होता, आज के डेट तक जो टोटल इन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है HDFC टॉप 100 फंड में, वो यहाँ पे देख सकते हो 1,66,000 के करीब में टोटल इन्वेस्टमेंट देखने को मिलता। और जो यहाँ पे सेल वैल्यू होता, अगर हम आज के डेट में सेल करते तो 2,71,988 रुपये का यहाँ पे सेलिंग वैल्यू होता, और जो प्रॉफिट देखने को मिलता वो 1,05,000 के करीब में देखने को मिलता। अब आप खुद सोच लो, अगर आप HDFC टॉप 100 फंड के साथ कंटिन्यू करते हैं, आपको 2018 में नवंबर में ही पता चल गया था कि फंड का परफॉर्मेंस वीक है, लेकिन फिर भी अगर आप कंटिन्यू करते तो आपको यहाँ पे 1,05,000 का सिर्फ प्रॉफिट देखने को मिलता। अगर एनुलाइज रिटर्न की बात करें तो सिर्फ 14% का एनुलाइज रिटर्न देखने को मिलता। लेकिन अगर आप 2018 में स्विच करके एक ऐसे फंड का सिलेक्शन किया जिसका परफॉर्मेंस काफ़ी स्ट्रांग है, जैसे कि कैनरा रैप को ब्लू चिप फंड, आपने वहाँ SIP भी स्टार्ट किया, और जो फंड का वैल्यू था आपके HDFC टॉप 100 फंड में उसको भी एज ए लमसम इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो जो टोटल प्रॉफिट देखने को मिला वो 1,36,000 के करीब में। देखो यहाँ पे मैंने टैक्स का कैलकुलेशन नहीं किया है, तो ऐसे में आपने देखा अगर कोई म्यूचुअल फंड कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है, अपने ना ही बेंचमार्क को बीट कर रहा है, ना ही अपने कैटेगरी एवरेज के रिटर्न को बीट कर रहा है, अगर आप उसके साथ जा रहे हो, लंबे ड्यूरेशन के साथ कंटिन्यू कर रहे हो, तो आपको रिटर्न कितना कम देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर आप चालाकी से रेगुलर बेसिस पे फंड का रिसर्च करते हो, रिव्यू करते हो, और अगर टाइमली किसी कमजोर म्यूचुअल फंड से बाहर निकल करके और किसी दूसरे म्यूचुअल फंड पर स्विच करते हो, तो आपको प्रॉफिट ज़्यादा देखने को मिलेगा। मैंने कई बार इन्वेस्टर को बताया है, और मैं जो ये एग्जांपल आपके सामने रखा था इस एग्जांपल के सहारे आप बहुत इजी व्यू में समझ गए होंगे कि हाँ, अगर कोई म्यूचुअल फंड खराब प्रदर्शन कर रहा है तो ये सही डिसीजन है कि उस म्यूचुअल फंड से बाहर निकल के कोई ऐसे म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन करें जिसका परफॉर्मेंस काफ़ी स्ट्रांग हो और अपने कैटेगरी में बहुत ही स्ट्रांग प्रदर्शन कर रहा हो। तो ये था आज का वीडियो। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके माइंड में कोई क्वेरी हो, भेजिए कमेंट बॉक्स में, क्वेरी जनरेट करें। आने वाले टाइम में बहुत सारी वीडियो लेके आऊँगा। एक हम्बल रिक्वेस्ट, अभी तक चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब, लाइक और शेयर तो अभी स्टार्ट करें। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।